क्या कीजिए, CEIR.gov.in पर लॉगिन कर लीजिए। यहाँ आपको अपने फोन के इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी कि IMEI नंबर की जरूरत पड़ेगी। आपके पास होता है, आप फोन खरीदते हैं तो नंबर लिख लेते हैं, अगर नहीं करते हैं तो प्लीज ऐसा करना शुरू कर दीजिए। नंबर ब्लॉक करवाने से पहले आपको फोन खोने या चोरी होने के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करनी होगी। कॉपी को वेबसाइट पर आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। फोन खो जाने की स्थिति में CEIR के जरिए अपना नंबर ब्लॉक करवाने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे, जैसे पुलिस की वही रिपोर्ट जो अभी हमने आपको बताई, आपका आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, और अगर पॉसिबल हो तो मोबाइल खरीदने पर जो आपको रसीद मिलती है वो आप संभाल के रखिए, हम लोग नहीं रख पाते हालांकि आमतौर पर, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको मदद करेगी। इसके बाद आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी, पूछे जाने वाली डिटेल्स के बारे में बताना होगा। यहाँ पर आपको मोबाइल IMEI नंबर एक बार फिर से डालना होगा, दर्ज करना होगा, लिखना होगा जिसे आप ब्लॉक करवाना चाहते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म को वेरीफाई करने के बाद फोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपका फोन मान लीजिए कुछ दिन बाद मिल गया, घर में मिल गया, किसी ने लौटा दिया या पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला, तो अब आप क्या करेंगे, फोन तो ब्लॉक हो गया। बिल्कुल मत घबराइए, घबराने की कोई बात नहीं, इसी साइट पर जाइए और इसे आप फिर से ऑन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको